Hello everyone, welcome to DSCJ Tele Classes. I'm Kamaljeet Kaur and today I'll be taking up class 10th Geography, lesson number 2, Forests and Wildlife Resources. Now this lesson, Forests and Wildlife Resources, has 7 subtopics. और मैंने इस लेसन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया एंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट एशियाटिक चीता. सो लेट्स बिगिन. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दूं. Learning objectives are to describe the importance of biodiversity, to classify the categories of plants and animals on the basis of IUCN guidelines, to sensitize the students about the factors to decline the biodiversity, to explain the contribution of central government towards protecting wildlife, to explain the types and distribution of forests and wildlife resources in India, to explain the contribution of traditional community to conserve the natural habitat, state some examples of good practices followed by tribal communities to resist deforestation. Dear students, we share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. This entire habitat we live in has immense biodiversity. Now, what is biodiversity? Biodiversity kya hai? Biodiversity of an area is the number of species found in that area. Matlab ek particular area mein jitne bhi species hain, chahe wo plants hain ya animals hain, un sabko biodiversity kaha jata hai. Biodiversity ko hum define karenge species diverse in form and function but closely integrated in a system through a multiple network of interdependencies. Hum animals ya plants se diverse hain form, shape ya functions mein. Hum jaise chal sakte hain, animals waise nahi chal sakte aur plants to bilkul nahi chal sakte, but hum ek closed network mein bandhe hue hain. Hum ek dusre par interdependent hain. ये लाइफ का साइकिल इंटरडिपेंडेंस पर ही चल रहा है. हमें एनिमल से कितना कुछ मिलता है, जैसे एग्स, मिल्क, घी, मीट, हनी, और प्लांट्स की तो बात ही मत पूछो. प्लांट से सबसे जरूरी चीज जो कि ऑक्सीजन, जिसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम में आपको पता चल गई होगी, वो हमें मिलती है. हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स वेब का एक छोटा सा हिस्सा है और हम पूरी तरह इस इकोलॉजिकल सिस्टम पर डिपेंडेंट है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए. प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस धरती के हर जीव जंतु और पेड़ पौधे की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी की ह्यूमन बीइंग्स की है. सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. आइए देखते हैं कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए एक रिसोर्स है. फॉरेस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं फ्लोरा, जो कि प्लांट स्पीशीज है, और फौना, जो कि एनिमल स्पीशीज. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में फ्लोरा और फौना का अपार भंडार है. यहाँ लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज हैं और 81,251 एनिमल स्पीशीज हैं. दुनिया के फ्लोरा का 7% हिस्सा भारत में है और 6.5% हिस्सा फौना का इंडिया में है, भारत में है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश कितना रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में. अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की. ये दोनों बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है. इसे हम फ्लोरा एंड फौना भी कहते हैं, यानी कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. और ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है. और हम ह्यूमन बीइंग्स किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लोरा में या फौना में? तो हम फौना की कैटेगरी में आते हैं. और इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. अब देखते हैं कि प्लांट्स हमें हमारे काम कैसे आते हैं. प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं?
प्लांट्स हमें खाना देते हैं, एनिमल्स का खाना देते हैं, फायरवुड देते हैं, फाइबर, टिम्बर, मेडिसिन, गम्स, टैनिन। फिर उसके बाद प्लांट्स जो हैं, दे प्रोवाइड फायरवुड, दे रिलीज ऑक्सीजन, स्टॉप इरोजन, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे रिड्यूस इवेपोरेशन रेट्स, दे प्रोवाइड शेड। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स आर ब्यूटिफुल, दे प्रोवाइड फूड फॉर बीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जो एनिमल्स हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, वो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, मीट, देन दे गिव अस फ्लैश, एंटलर्स, फर, टस्क्स एंड मेडिसिंस। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताती हूँ भारत की। भारत में लगभग 10% जो फ्लोरा की स्पीशीज और 20% फौना की स्पीशीज जो है वो थ्रेटन्ड लिस्ट में आती हैं, और इनमें से बहुत सारी अब क्रिटिकल लिस्ट में आ रही हैं, मतलब कि खत्म होने पर आ रही हैं, जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, और कुछ प्लांट्स भी हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। वन मोर थिंग, जो पेस ऑफ एक्सटिंक्शन है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस लाता है, पर जिस स्पीड से एक्सटिंक्शन हो रहा है या ये चीजें वैनिश हो रही हैं और खत्म हो रही हैं, वे एक चिंता का विषय है। पेस ऑफ एक्सटिंक्शन नेचुरल वे से 50 to 100 टाइम्स ज्यादा है, विच इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। वैनिश होने की बात पे मैं आपको वैनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में बताती हूँ। हमारा इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है 24.16%, और एरिया वाइज देखें तो 79.42 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इनमें से डेंस फॉरेस्ट जो है वो 12.2% है, ओपन फॉरेस्ट 9.14% है, और जो मैंग्रोव्स हैं वो 0.14% है। डेंस फॉरेस्ट का मतलब है घने जंगल। ट्रीज यहाँ बहुत ही घनी या डेंस होती हैं और खाली स्पेस जो है बहुत कम होती है। ओपन फॉरेस्ट मतलब जहाँ ट्रीज की डेंसिटी बहुत स्कैटर्ड होती है। जो मैंग्रोव्स हैं ये ज्यादा कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स आर द प्लांट्स विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर, उनका आधा हिस्सा पानी में होता है। दे एग्जिस्ट इन सॉल्टी वाटर्स एंड देयर रूट्स आर इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। मैंग्रोव्स एक्ट एज लंग्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के हिसाब से हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर इट हैज इंक्रीज्ड बाय 3,775 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आप लोगों को ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारे फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है और प्लांटेशन की तरफ लोगों का फोकस ज्यादा है। जो आर्टिफिशियल प्लांट्स का उतना फायदा नहीं है जितना वाइल्ड प्लांट्स का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे फॉरेस्ट्स आर वैनिशिंग। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN, वी कैन क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इंटू 6 कैटेगरीज, विच आर नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, देन एंडेमिक स्पीशीज, देन वी हैव रेयर स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज। अब आपको ये नाम याद करने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी, तो इसके लिए एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, NEQRV। एन फॉर नॉर्मल, EQ, 3 E है तो उसमें आ गया एंडेमिक, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। R है रेयर स्पीशीज और V आ गया वल्नरेबल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज, ये वो सारे स्पीशीज हैं जिनका पॉपुलेशन लेवल नॉर्मल है फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे एग्जांपल ले लो डॉग का। क्या आप कभी सोच सकते हो कि डॉग्स हमारे प्लैनेट से खत्म होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, उनका पॉपुलेशन लेवल जो है वो इतना सफिशिएंट है उनके सर्वाइवल के लिए, जैसे कैटल हो गए या प्लांट्स में साल, पाइन। तो वी कैन से दैट दीज टाइप ऑफ स्पीशीज आर नॉर्मल स्पीशीज। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब वो सारी स्पीशीज जो खतरे में है,
यानी कि वो सारे जानवर या वो सारे पेड़ पौधे जिनको खतरा है कि वो खत्म हो सकते हैं, उनको पॉपुलेशन की थ्रेट है कि वो खत्म ना हो जाए या एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ऐसे स्पीशीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो सकता है अगर जो उन्हें थ्रेट या खतरा है या उनके जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब हम नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्पीशीज खत्म हो सकते हैं, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो डेंजर में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अगर हम बात करें लायन टेल मकाओ की, जैसा कि आपको पता होगा ये लायन टेल मकाओ एक ब्लैक कलर का मंकी है जिसकी बॉडी पर हेयर है और उसकी जो टेल है वो लायन की टेल के जैसे दिखती है। ये जानवर साउथ इंडिया में पाया जाता है, नीलगिरी हिल्स में। वहां पर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से नाउ इट इज अनेबल टू सर्वाइव, जिसकी वजह से उसकी वहां पर डेथ हो रही है। सो दिस इज द नेगेटिव फैक्टर फॉर लायन टेल मकाओ। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, इंडियन राइनो और ब्लैक बक, वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल का मतलब है क्या है, आज से 15-20 साल पहले सुबह उठते ही हमें चिड़िया की चहचहाट सुनने को मिलती थी, जहां देखो स्पैरो की आवाज हमें सुनाई देती थी, हमें लगता था ये एक नॉर्मल स्पीशीज है, पर आज ऐसा नहीं है। इसका कारण है टेलीकम्युनिकेशंस, जगह जगह जो मोबाइल टावर्स लग गए इंस्टॉल हो गए हैं, उनकी रेडिएशंस की वजह से बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो मर गई हैं और आज वो नॉर्मल नहीं रही हैं, वो खतरे में है आज। तो इस तरह की स्पीशीज जो पहले नॉर्मल थी आज उनकी कैटेगरी चेंज हो गई है और वो खतरे में आ गई है, इन्हें हम वल्नरेबल स्पीशीज कहते हैं। और अगर उनकी पॉपुलेशन ऐसे ही कम होती गई तो वो वल्नरेबल से एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ब्लू शीप, गैंगेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट्स। अब आप सोचोगे ये गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। गैंगेटिक जैसे कि नाम है, नाम से आप देख सकते हो ये गंगा रिवर में पाई जाती है, पर अब गंगा रिवर जो है वो पल्यूट हो रही है, तो पल्यूशन की वजह से इस डॉल्फिन को जो थ्रेट्स हैं, जो कि नेगेटिव फैक्टर्स हैं उसके सर्वाइवल के लिए, और वो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि वल्नरेबल की कैटेगरी में है आगे जाकर एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में जा सकती है अगर गंगा रिवर में इसकी पॉल्यूशन को कम नहीं किया गया, उस पर कंट्रोल नहीं किया गया। रेयर स्पीशीज जैसे नाम से ही पता चलता है, वो स्पीशीज जो बहुत रेयर या कम होती हैं। रेयर स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है। रेयर स्पीशीज भी एंडेंजर्ड या वल्नरेबल की कैटेगरी में जा सकती हैं इफ द थ्रेट्स टू द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ऑपरेट। मतलब जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसके कारण किसी भी स्पीशीज उस दूसरी कैटेगरी में जाने की संभावना होती है, अगर वो कंटिन्यू करते रहे वो नेगेटिव फैक्टर्स, तो वो स्पीशीज दे मे मूव टू अनदर कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिव फैक्टर्स और द थ्रेट्स। वो एंडेंजर्ड भी हो सकती हैं और वल्नरेबल भी हो सकती हैं अगर उनके नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू करते रहें तो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हॉर्नबिल, जायंट पांडा, डेजर्ट फॉक्स। देन नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज। ये वो स्पीशीज हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। They are isolated by natural or geographical barriers. For example, Andaman teal, Mithun in Arunachal Pradesh, then Nicobar pigeon. जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि by nature ये ऐसे areas में ही exist कर सकती हैं। अब अगर हम polar bear की बात करें तो polar bear को कोई शौक तो है नहीं बर्फ में रहने का, लेकिन उसकी adaptation ऐसी हुई है कि वो और कहीं survive नहीं कर सकता। अगर हम उसे अफ्रीका के जंगल में छोड़ा है तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंडेमिक स्पीशीज हैं, दे आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स।
लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो खत्म हो चुकी है, ये वो स्पीशीज हैं जो अब नहीं मिल रही, पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। अ स्पीशीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम लोकल एरिया, रीजन, कंट्री और द एंटायर अर्थ। मतलब कोई भी स्पीशी किसी लोकल एरिया से खत्म हो सकती है, किसी कंट्री से खत्म हो सकती है या फिर पूरी दुनिया से भी खत्म हो सकती है। एक ऐसा एग्जाम्पल जो आप सबको पता होगा, डायनासोर्स जो पूरी दुनिया से अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अपनी कंट्री की बात करें तो एशियाटिक चीता जो है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे पिंक हेड डक, चाइना बुल, ये सब एक्सटिंक्ट स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं एशियाटिक चीता जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है, वेयर डिड दे गो। एशियाटिक चीता जैसे कि मैंने पहले बताया एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, पर ये गया कहां? एज यू ऑल नो चीता इज द फास्टेस्ट लैंड मैमल, मतलब जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। चीता अपनी स्पीड के लिए ही जाना जाता है। अक्सर लोग चीता और लेपर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको उनके बीच में कुछ डिफरेंस बताती हूँ। चीता की आईज के नीचे एक टियर ड्रॉप मार्क रहता है जिसकी वजह से उसे सनलाइट का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता। जब वह तेज दौड़ता है तो सनलाइट का रिफ्लेक्शन उस पर नहीं पड़ता और वो अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकता है, जबकि लेपर्ड को ऐसा कोई मार्क नहीं होता है। एक और डिफरेंस है कि चीता की बॉडी पर एकदम राउंडेड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जबकि लेपर्ड के स्पॉट्स जो हैं अनइवन होते हैं। चीता एक एथलीट है तो उसकी बॉडी एकदम स्लिम एंड ट्रिम होती है और लेपर्ड जो है वो थोड़ा मोटा होता है। चीता बहुत तेज दौड़ता है और लेपर्ड इतनी तेज नहीं दौड़ पाता है। अब बात करते हैं उसकी एक्सटिंक्शन की। एशियाटिक चीता इज फाउंड ओनली इन ईरान और वो भी सिर्फ 50 एशियाटिक चीता फाउंड इन ईरान। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट हो गए हैं 1952 से। एशियाटिक चीता भी इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए हैं पर वर्ल्ड से नहीं। उनके एक्सटिंक्ट होने का कारण है लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट जहां वो सर्वाइव कर सकते हैं वो खत्म हो रहा है, और उसके साथ लॉस ऑफ प्रे, यानी कि जो उनको खाने के लिए चाहिए या उनका शिकार है जो, वो भी खत्म हो रहा है। इसलिए जो एशियाटिक चीता है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। हम पूरी तरह से फ्लोरा एंड फौना पर डिपेंडेंट हैं। ये हमें क्या क्या देते हैं ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो अगर ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो ये डिप्लीट क्यों हो रहे हैं? अगर हम सोचें कि फ्लोरा एंड फौना हमारी बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं, तो यही कारण है उनकी डिप्लीशन का। अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम इस हद तक चले गए कि हमने उनको ही खत्म कर दिया। This is the main reason for their depletion. So we can say that to fulfill human needs, flora and fauna is being depleted. अब कुछ specific factors भी responsible हैं उनकी depletion के लिए, जैसे loss during colonial period. Colonial period का मतलब है जब ब्रिटिशर्स या दूसरी colonies हम पर रूल कर रही थी। दूसरी colonies से मेरा मतलब है जैसे French, Portuguese और ये British, ये सारा colonial period में आता है। कॉलोनियल पीरियड में रेलवेज वर एस्टैब्लिश्ड। रेलवे लाइन के नीचे जो वुडन प्लैंक्स का इस्तेमाल किया जाता था, और जब रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम, उन स्लीपर्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आज तो वो स्लीपर्स कंक्रीट के बनाए जाते हैं। अब टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ये भी रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन के लिए। जैसे टीक के पेड़ का कमर्शियल यूज होने लगा तो वो पेड़ कटने लगे, उसकी जगह उन्होंने दूसरे पेड़ तो लगाए, पर जो वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट था वो खत्म हो गया।
मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज थी उनको खत्म करके एक ही तरह की ट्रीज की प्लांटेशन कर दी गई। तो जैसे पेड़ कटे, वहां जो स्पीशीज सर्वाइव करती थी उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गया, जिसके कारण उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। और ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अब एनरिचमेंट प्लांटेशन क्या होता है? ये होता है जब आप नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके एक ही वैरायटी के प्लांट्स को लगाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में कॉलोनीज ने टी का प्लांटेशन कर दिया नेचुरल फॉरेस्ट को खत्म करके। वहां के फॉरेस्ट को उन्होंने डिग्रेड कर दिया और बोला कि हम एनरिच कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने हिमालयस में चीड़ पाइन लगा दिए हिमालयन ओक को खत्म करके। अब माउंटेन्स में चीड़ पाइन ही दिखते हैं, हिमालयन ओक तो डिसअपीयर हो गया है। फिर है माइनिंग एक्टिविटीज। जैसा आपने सुना होगा भारत एक सोने की चिड़िया थी, तो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स ने ज्यादा बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज पर फोकस दिया और जितने भी प्रेशियस रिसोर्सेस थे उन्हें निकाल लिया। इसकी वजह से एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ा माइनिंग एक्टिविटीज से। अब नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। आपको पहले भी पढ़ाया है कि लैंड इज अ लिमिटेड रिसोर्स बट वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स। जमीन तो उतनी ही है, चाहे आप खेती बाड़ी करें, फैक्ट्री लगाएं या घर बनाएं। जब जमीन कम लगने लगती है तो हम सोचते हैं कि जंगलों को काट लें जिससे लैंड बढ़ जाएगी, पर हम ये नहीं सोचते कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कितना डिप्लीशन हो रहा है। डिमांड्स को पूरा करने के लिए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल एरिया। ये बहुत ज्यादा एरिया है, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, कितना फॉरेस्ट का नुकसान हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा मेथड है जो ट्राइबल लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्राइबल कल्चर में ये लोग जंगल को काटते थे और वहां खेती बाड़ी करते थे, फिर उस पैच को जला देते थे, वहां जितने पेड़ पौधे थे उनको जला देते थे और एक दो साल के लिए उस पैच को खाली छोड़ देते थे और उसके बाद नई जगह में नए पेड़ काटकर एक और पैच तैयार करते थे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन में। ये प्रैक्टिस आज भी फॉलो की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं तो उनकी वजह से फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन होता है। 1951 के बाद से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड वॉज क्लियर्ड फॉर वैली प्रोजेक्ट्स। इसकी वजह से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। फिर नर्मदा सागर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो पानी के नीचे डूब गया। तो सोचिए, इतनी जमीन जब डूब गई पानी में तो उन पर एग्जिस्ट करने वाली वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई, और जो एंडेमिक स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही सर्वाइव कर सकते हैं वो तो एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसे ही डोलोमाइट माइनिंग है जो बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के पास की जाती है, वहां पर उसकी वजह से वहां पर वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए नेगेटिव फैक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। अब लास्ट है ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन लीड टू डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता है तो फ्लोरा और फौना पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जो लोग फॉरेस्ट में लकड़ियां इकट्ठी करने जाते हैं उसे लोपिंग या वो लोपिंग करते हैं, जिसका उतना नुकसान नहीं होता है। लोपिंग होता है जब पेड़ की टहनियों को काटा जाता है और लोग छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं चूल्हे जलाने के लिए। लेकिन जो फेलिंग है, फेलिंग ऑफ ट्रीज, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि इसमें पेड़ों को जड़ से काट दिया जाता है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। नाउ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन
is a natural factor like floods. Hunting and poaching for luxury and illegal smuggling of animals. Then over-exploitation होता है जब हम जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते हैं. एनवायरमेंट पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है डिप्लीशन का. पॉइजनिंग है जब इंडस्ट्रीज का केमिकल वेस्ट हमारी लैंड रिसोर्सेज को पल्यूट करता है, वाटर रिसोर्सेज को भी पल्यूट करता है, तो उनपे जो सर्वाइव कर रहे होते हैं जीव जंतु वो मर जाते हैं. या कभी हम स्प्रे करते हैं कुछ इंसेक्ट्स को मारने के लिए तो वो भी पॉइजनिंग ही होता है. और इसकी वजह से फ्लोरा और फौना दोनों बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं. और एक और नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा डिप्लीट होता है, वो है फॉरेस्ट फायर, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं. कई बार तो नेचुरल तरीके से आग लग जाती है और कई बार इंसान की गलती की वजह से भी आग लग जाती है जंगलों में. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.